हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का आप इरादा रख रहे हो, करवाना चाह रहे हो, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आप एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आप जानना चाहते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कितना कॉस्ट आएगा। अगर आपको ये जानना है तो इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। देखते रहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने अगर आप जा रहे हो तो आपके जहन में इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा ये भी होगा। कॉस्ट क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रांसप्लांट करवाने से पहले ये जरूर देखें कि जहां आप करवा रहे हो ट्रांसप्लांट वो डॉक्टर कैसे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि बाकी सर्जरीज की तरह ट्रांसप्लांट में भी रिस्क कवर होता है। अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो आपका रिजल्ट बेहतर तो होना दूर बदतर हो सकता है। इसलिए जहां आप करवा रहे हो डॉक्टर का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, उसके रिजल्ट्स जरूर देखें, कितने पेशेंट्स उन्होंने हैंडल किया है अब तक वो देखें, उन पेशेंट्स का अब तक का आउटपुट और रिजल्ट कितना बेहतर रहा है वो देखें। इसके अलावा जो क्लिनिक चूज कर रहे हो आप, उस क्लिनिक में जो टेक्नीशियंस हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितने बेहतर तरीके से डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, ये भी देखना जरूरी है। ट्रांसप्लांट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ट्रांसप्लांट में अगर आपके हेयर ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से सही तरीके से निकाल कर ट्रांसप्लांटेड एरिया पर सही तरीके से नहीं लगाया गया तो आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, लिहाजा डॉक्टर का सही चयन करें, उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांट करवाने का मन बनाएं। ट्रांसप्लांट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बाकी जैसी सर्जरीज होती हैं इसमें भी काफी वक्त लगता है। ये वक्त कम से कम 8 घंटे लगता है, यानी कि अगर आपको आपके बाल्ड एरिया पे 3,000 से 3,500 ग्राफ्ट की जरूरत है तो इसमें 8 घंटे का पूरा वक्त लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा, जो आपके बाल जहां से जा चुके हैं, फ्रंट लाइन यानी कि हेयर लाइन को क्रिएट करना, पंचेस करके हेयर लाइन बनाना, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो डोनर एरिया से आपके बाल ग्राफ्ट्स वहां से निकालना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कहां पर कितनी डेंसिटी देनी है उसका वो देखना, किस डायरेक्शंस में डालना है वो देखना, किस एंगल में डालना है वो देखना, ये सारी चीजें एक अच्छे डॉक्टर पहले अज्यूम करते हैं, उसके बाद ही वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लिहाजा अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट 10 रुपए पर ग्राफ्ट से शुरू होकर 50 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाता है। ये जरूरी नहीं कि जो 50 रुपए पर ग्राफ्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर है, और ये जरूरी नहीं कि 10 रुपए पर ग्राफ्ट जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेकार है। ऐसे बहुत से क्लिनिक हैं जो 10 रुपए और 20 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से करते हैं और बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये आपके चयन के ऊपर है कि आप
सही तरीके से उन क्लिनिक्स को विजिट करें, डॉक्टर्स को विजिट करें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखें, डॉक्टर का आउटपुट रिजल्ट देखें, उसके जो पेशेंट हैं उनसे बात करें, उनका रिजल्ट देखें और उसके उनका व्यू लें और उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांट वहां करवाएं। अगर आपको 3,500 से 4,000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो आप उसे एक मीन एवरेज जो कैलकुलेशन है 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 20 रुपये पर ग्राफ्ट अगर है तो 3,000 अगर आप ग्राफ्ट लगाते हो तो ये 60,000 पड़ता है। अगर आप 3,500 ग्राफ्ट की आपको ज़रूरत है तो ये आपको 70,000 पड़ता है। इसके अलावा इसमें और कोई चार्जेस नहीं होता। अगर कोई दूसरा चार्ज है तो वो है मेडिकेशन का, जो 6 महीने के लिए आपको एक साथ दी जाती है। कहीं कहीं पर ये अगर करीब में है आपके तो आप महीने में जाके ले सकते हो, कहीं अगर दूर में है तो आप 6 महीने के लिए एक साथ एक बार ही ले सकते हो। इसमें मैनोक्सिडिन, लोशन, बायोटिन और फिनाइस्ट्रेट, ये मेडिकेशंस और लोशंस होते हैं जो कुछ लगाने के लिए होते हैं और कुछ खाने के लिए होते हैं, ये आपको दी जाती है। इस मेडिकेशंस का चार्ज लगभग 10,000 पड़ता है, यानी कि अगर 3,000 ग्राफ्ट आपको लगाए जा रहे हैं और 20 रुपये पर ग्राफ्ट हैं तो वो 60,000 और प्लस 10,000 आपका मेडिकेशन का चार्ज, यानी कि 70,000। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर आउट ऑफ योर स्टेट अगर आप जाकर करवा रहे हो तो वहाँ जो स्टे है उसका कॉस्ट, यानी कि 2-3 दिन जो आप रुकोगे उसका कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। और इससे पहले यानी कि ट्रांसप्लांट से पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, जो 800 रुपये से 1,000 रुपये या 1,200 रुपये तक आता है, बस इतना कॉस्ट आता है। ब्लड टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, कितना कॉस्ट आता है, जैसा मैंने बताया, इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानना है तो मेरा दूसरा वीडियो जो मैंने पोस्ट पहले किया है आप वो देख सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी और इस वीडियो के आखिर में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अब ही मुझे आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसप्लांट करवाने में कितना कॉस्ट जाता है। इंडिया में हमारे डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मशीन अच्छी हैं उनके पास और वो काफ़ी मेहनत से बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपका ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि आपको बेहतर और अच्छा लुक दिया जा सके। लिहाजा कॉस्ट आपको मालूम हो गया, रिस्क क्या क्या इसमें है वो भी आपको पता है। अब आप जैसा चयन करना है, जिन मापदंडों पे आपको चयन करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी डॉक्टर को, किसी भी क्लिनिक को चूज़ करने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ज़रूर देखें कि डॉक्टर की एक्सपीरियंस कितनी है, क्लिनिक का रिपोर्टेशन कैसा है, उसके असिस्टेंट की एक्सपीरियंस कैसी है और उसके जितने भी रिज़ल्ट आए हैं वो कितने बेहतर हैं, उनके जो पहले पेशेंट रह चुके हैं उनके साथ आप कांटेक्ट करके उसके रिज़ल्ट को देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उसके बाद ही आप वहाँ अपना ट्रांसप्लांट करवाएं। उम्मीद है आपको आज के इस चैनल में, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर कीजिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।